हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री एग्जाम पास में। मेरा हलोर मैं आज हम इस वीडियो में यूपी टीपीएससी से अपडेट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों कोरोना का असर परीक्षा पर है उसके बारे में बात करने वाले हैं। अभी एक नोटिस जारी हुई है और आप लोगों की एक परीक्षा रद्द हुई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें अगर आपने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। वीडियो स्किप नहीं करना, पूरा लास्ट तक देखना, 100% सत्य जानकारी है। दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा रहा हूँ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो ऑफिशियली साइट है उसी पे अभी एक नोटिस जारी की गई है और ये नोटिस है जूनियर असिस्टेंट की जो टाइपिंग टेस्ट की जो परीक्षा थी उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है 536 पदों पर जो चयन हेतु संपन्न लिखित परीक्षा के उपरांत द्वितीय चरण की टंकन परीक्षा जो होने वाली थी दोस्तों, जिसमें 4264 अभ्यर्थियों जो मतलब अभ्यर्थी को सफल किया गया था और इन लोगों की जो परीक्षा 18 मार्च से 26 मार्च 2020 तक जो आयोजित की जानी थी। दोस्तों यह परीक्षा है, आप लोगों को पता होगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हाल ही में जो ये जो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है कोरोना वायरस के संक्रमण से यह परीक्षा जो है 18 मार्च से जो 26 मार्च तक होने वाली थी ये स्थगित कर दी गई है। दोस्तों इस नोटिस में कोई भी फेक जानकारी नहीं है, 100% ऑफिशियली नोटिस है। आप लोग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ऑफिशियली साइट पर जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा भी है साफ साफ कि उक्त परीक्षा से संबंधित समस्त विद्यार्थियों को द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त टंकण परीक्षा जो दिनांक 18 मार्च 2020 से 26 मार्च 2020 तक आयोजित की जानी थी उसे कोरोना वायरस के संक्रमण से संबंधित COVID-19 बीमारी से बचाव व रोकथाम के दृष्टिगत आयोग की अगली सूचना तक स्थगित किया जाता है। दोस्तों यह टंकर जो परीक्षा होगी जो आयोग अपनी दूसरी नोटिस जारी करेगा जिसमें आप लोगों की नई डेट होगी उसी डेट के अनुसार ये फिर से टंकर की परीक्षा कराई जाएगी। दोस्तों आप लोगों के लिए जो लोग इस टंकर परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है ताकि वो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें और ये जो कोरोना वायरस है इसके संक्रमण से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसके जो नियम हैं उन नियमों का पालन करें और ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखें ताकि आप लोग इसके संक्रमण में ना आ सकें। बाकी जैसे ही नई कोई अपडेट मिलेगी मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जल्दी से जल्दी मीटिंग हो रही है लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का बहुत ही बुरा हाल है और अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आ पाए हैं। देखिए वेट कर रहे हैं काफ़ी स्टूडेंट, जैसे ही कोई रिजल्ट आएगा हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर देंगे। धन्यवाद।